आज के टेस्टी क्रिसमस के स्नैक बनने वाले हैं ना मैदा से, ना अंडा से और ना ही इसमें कोई बटर डालने वाला है दोस्तों, ना ही हमें ओवन की जरूरत है। फिर भी ब्रिटानिया केक जैसे स्वादिष्ट हम घर पे बना सकते हैं, वो भी सूजी से। कैसे हम घर में एक ओवन तैयार करेंगे जिससे कि ये परफेक्ट इसको टेम्परेचर मिलेगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेते हैं 1.5 कप सूजी, सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर लेना है 1/4 कप, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1/2 टीस्पून। इसके मेजरमेंट्स को ध्यान रखिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ लेते हैं 1/2 कप दही, 1/8 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, 3/4 कप लिया है शुगर। शुगर आप बढ़ा भी सकते हैं, जितना मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से आप इसको डालिए और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए ये दिखने में इतना फिट जाए कि कैसा लगे, बिल्कुल कंडेंस मिल्क का जैसा। अब आप इस वाले मिक्सचर में ये लिक्विड मिक्सचर को इस तरह से डाल लेंगे और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सूजी है, सूजी क्या होता है मॉइस्चर सोखती है फिर ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा रुक रुक के ही इसमें लिक्विड चीज़ें डालनी है। जैसे अभी मिल्क बाकी है तो मिल्क एक साथ पूरा नहीं डाल लेते हैं। मैंने 1/2 कप मिल्क गरम करके रखा है, गरम यानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं, जो हल्का गुनगुना होता है। तो पहले तो मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिल्क डालती रहूँगी। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है दोस्तों जैसा ब्रिटानिया केक का आता है, वो भी घर में बिना ओवन के। तो मैंने क्या किया, देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स किया दूध और अब मैं इसको थोड़ी देर फिर छोड़ दूंगी, फिर देखते हैं इसमें कितनी और ज़रूरत होगी। मैंने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया 2 से 3 मिनट के लिए, फिर थोड़ा सा मिल्क मैंने इसमें और डाल दिया। तो मिल्क की क्वांटिटी ये परफेक्ट नहीं है कि 1/2 कप ही लगेगा, आप जैसी सूजी लेंगे वो कितनी एब्जॉर्ब करती है उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके का बनेगा ये, आप देख सकते हैं अब ये परफेक्ट हो गया है। मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर टूटी फ्रूटी जो होती है ना छोटी छोटी सी कलरफुल, आप उसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मिला लीजिए जिससे ये केक में नीचे नहीं चली जाती, अदरवाइज ये सिंक हो जाती हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल की मात्रा हम बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये इस तरह का केक मेरे यहाँ हमेशा बच्चे खाते हैं, तो मैं ऑयल कम डालती हूँ। लेकिन एक मेरा केक मॉइस्ट रहे उसके लिए मैं करती क्या हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 2 तरह के ओवन तैयार किए हैं, एक तो मैंने किया है कढ़ाई में इडली मोल्ड रख के, देखिए इस तरह से नीचे नमक की पतली सी लेयर है। मैंने पहले इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है, अब मैं इसकी आंच को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी जिसमें मैं सिर्फ इसको 12 मिनट पकाने वाली हूँ बस, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा हाइट नहीं है, इडली मोल्ड में मैं इसे बना रही हूँ। आपको मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इडली मोल्ड हर घर में होता है, ये उसी का ही छोटे छोटे बनाने के दिखने में क्यूट लगते हैं, तो उसके लिए मैंने छोटा वाला इडली मोल्ड लिया है। यहाँ पे मैं 2 भगोनों का यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा मिनी ओवन है फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे कुछ भी आप बेक कर लीजिए, छोटे पिज़्ज़ा बना लीजिए या और भी कोई भी बेकिंग की चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एल्युमिनियम का नीचे है और एक एल्युमिनियम का ऊपर है, इसके ऊपर की हीट भी वेस्ट ना जाए इसलिए मैं ऊपर से इस तरह का रख देती हूँ जिसमें आप ना गर्म पॉट रखते हैं वैसे। ये परफेक्टली बेक हो चुका है, अब हम इसको गोल शेप दे सकते हैं क्योंकि ये मिक्स हो जाएगा। देखिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लिया है, अब कितने अच्छे कुकीज़ जैसे मफिन लग रहे हैं कि नहीं, टेस्ट कैसा है, बिल्कुल वही मार्केट वाले ब्रिटानिया का जो पैकेट लाते हैं उससे भी ज़्यादा स्वाद, क्योंकि ये आपके हाथ में है, आप इसमें कितनी शुगर डाल सकते हैं, कितनी एसेंस डाल सकते हैं। अब मैं मॉइस्ट करने के लिए थोड़ी सी शुगर में पानी मिक्स कर रही हूँ और इसमें थोड़ी सी मैं मिक्स फ्रूट एसेंस डाल रही हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर मेरे कस्टर्ड पाउडर में भी था, अब मैं इसको इस तरीके से देखिए इसमें ब्रश की हेल्प से इसको इस तरह से लगा लेती हूँ। यह है शुगर सिरप, इतने मॉइस्ट हो जाते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं कि बस आप कितने दिनों तक भी खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, है कि नहीं सॉफ्ट एकदम बढ़िया से, किनारे का हिस्सा हल्का सा क्रंची भी होता है अगर ये ज़्यादा बेक हो जाते हैं तो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो इस क्रिसमस में इस तरीके से बनाइए, कितना आसान है, ना ओवन चाहिए, ना अंडा चाहिए, ना मैदा चाहिए, सूजी तो हेल्दी होती है, ऑयल आपकी मर्जी आप कितना भी डालिए। साथ ही में ये क्यूट से जो बने हैं हमारे मफिन्स, ये ग्रेट आइडिया है गिफ्ट करने के लिए भी, क्रिसमस गिफ्ट जो छोटे बच्चे को किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे प्यारे से एक एनवेलप में ऐसे ले सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल तड़का सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।